So happy to see you. Thank you जी. Your smile is always very healing. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. चलिए मुझे बताइए अनिरुद्ध कौशल को लेने के पीछे क्या कोई कारण रहा, क्या एक वो चीज थी जिसको लगा था मुझे ये रहा लेना चाहिए? मुझे हमेशा कोई भी यंग टैलेंट जब कोई अच्छा गाता है और कंपोज करता है उसमें वो राइटिंग और सिंगिंग की कैपेबिलिटी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब इस मोड़ पर हूँ मेरी जिंदगी के जहां पर मैं एक जरिया बन रहा हूँ लोगों के जिंदगी में और जरिया म्यूजिकली बन रहा हूँ कि उसकी चीज अनिरुद्ध की चीज किस तरह से मैं लोगों तक पहुंचाऊं. इसमें ये करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है. जब मैंने अनिरुद्ध को पहली बार सुना तो आई फेल लाइक ही हैड द टैलेंट, ही हैड द स्पार्क. और फिर मैंने उसका जब कैरेक्टर देखा और जब उसकी मेहनत देखी तो मुझे उससे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई में ही इज केपेबल एंड ही इज डिजर्विंग टू बी हर्ड. उसने 2-3 सिंगल्स ऑलरेडी कर लिए थे लेकिन मुझे लगा कि अगर वो चाहता है कि मैं उसके साथ में जुड़ जाऊं और एक दो गाने उसके साथ करूं तो पहले हमने एक गाना किया था इसके पहले, बट ये जो गाना है सरगोशिया ये एग्जैक्टली यहीं पर मेरे स्टूडियो में अनिरुद्ध आया था और गिटार पे मुझे सुनाया गाना तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने कहा कि इसको जरूर हम लोग एक साथ मिलके बनाएंगे और मैंने उसको डायरेक्शन दिया और साथ में मोहित भारती जो खुद एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उनके साथ मिलकर हमने सरगोशिया को आगे बढ़ाया और बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही फील गुड गाना है. ऐसे वक्त पर ये गाना आप सुन सकते हैं जहां चाहे खुशी का मौका हो, चाहे आप थोड़े से सैड फील कर रहे हो, या इट्स अ ब्यूटिफुल रोमांटिक सॉन्ग एंड इसकी जो आवाज है अनिरुद्ध की बड़ी खिल के आती है इस गाने में. एंड आई फेल्ट लाइक इट वुड बी रियली नाइस फॉर पीपल टू हियर इट इन दिस स्टाइल. सरगोशिया का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, वो गाने में किस तरीके से खोज है अनिरुद्ध की इस गाने में कि अपने और यू नो वो वेट कर रहा है अपने माशूक अपने लव के लिए और फिर उसको जब वो आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा. पर जिस तरह से वो अपने लव्ड लेडी को अप्रोच करता है और उसको रिंग पहनाता है और बहुत ही प्यारा वीडियो है और बहुत ही इसका जो मीनिंग है वो बड़ा डीप है. हर किसी इंसान के जिंदगी में कोई स्पेशल आता है और वो उसको किस तरह से उसको स्पेशल बनाता है और अपनाता है और उसकी जर्नी क्या होती है वो इस गाने में हमने एक छोटे से अच्छे से क्यूट से तरीके से हमने बताया है. एंड यू नो गाने में एक मिठास है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है. व्हेन यू एक्ट एंड व्हेन यू क्रिएटिंग द म्यूजिक आपको दोनों में से मजा किस में आता है और थोड़ा सा टफ क्या जाता है? एक्टिंग मैंने कभी ऐसा कुछ ज्यादा इस पे कोई अटेम्प्ट नहीं किया है. जो भी चीज आती है वो नेचुरली ही आती है और म्यूजिक में तो हमेशा मैं नेचुरल ही रहा हूँ. एक आर्टिस्ट की जिंदगी में जब कोई चीज बनावटी हो जाती है ना तो फिर वो आपको खुद पसंद नहीं आती और जाहिर अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो लोगों को कैसे पसंद आएगी. तो मैं ये चीज हमेशा देखता हूँ कि कुछ हमेशा ऐसी चीज हो जो नेचुरल हो. गाना बनाने के वक्त ऑल्सो एज अ कंपोजर बहुत बार ये प्रेशर आता है कि कोई हिट गाना हो जाए और ये हिट गाने के बनाने के चक्कर में वो गाना बहुत बार फेल भी हो जाता है. इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अच्छा गाना बनाएं. इट्स अ गुड सॉन्ग इट विल बिकम अ हिट.